देखिए मटेरियल साइंस के ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट कंपोजिशन है, तो एग्ज़ाम के पहले आप इसे देख कर जाइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखिए ये जो आपकी 70-30% इस तरीके से जो आपकी वैल्यू है, ये भले आपको याद ना हो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रास आपका कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ होता है। कभी कभी ये आपको कंपोजिशन आप याद कर लोगे तो अच्छा है, क्योंकि कभी कभी कंपोजिशन ही आपसे पूछ लेता है कि कितना परसेंटेज कॉपर रहता है या कितना परसेंट जिंक रहता है, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला है कॉपर बेस्ड एलॉय। तो कॉपर बेस्ड एलॉय में देखिए ब्रास है, तो ब्रास में आपका कॉपर और जिंक का कंपोजिशन रहता है, जिसमें कॉपर आपका 70% और जिंक आपका 30% रहता है, ठीक है। उसके बाद रहता है ब्रॉन्ज। तो देखिए ब्रॉन्ज आपका बनता है कॉपर और टिन से, जिसमें कि कॉपर आपका रहता है 72 से 95% और टिन रहता है आपका 5 से 25%। उसके बाद होता है मुंज मेटल। तो मुंज मेटल में कॉपर आपका 60% रहता है, जिंक आपका 40% रहता है। उसके बाद है डच मेटल। डच मेटल कॉपर आपका 80% एंड जिंक आपका 20%, ठीक है। इसी के बाद आपका जर्मन सिल्वर। देखिए जर्मन सिल्वर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर का परसेंटेज कितना रहता है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर आपका 0% रहता है, ठीक है। देखिए कॉपर आपका इसमें 60%, जिंक 20%, निकल आपका 20%। उसके बाद हम बात करते हैं बेल मेटल की। तो देखिए बेल मेटल जो होता है उसमें कॉपर आपका रहता है 80% जबकि टिन आपका रहता है 20%, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गन मेटल। देखिए गन मेटल जो आपका होता है वो आपका बनता है कॉपर, जिंक एंड टिन से, जिसमें कि कॉपर आपका रहता है 90%, जिंक 2% और टिन आपका 8%। इसी तरीके से डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल का रहता है देखिए कॉपर, जिंक एंड आयरन से, तो कॉपर रहता है इसमें 60%, जिंक 38%, आयरन 2%। गोल्ड, गोल्ड रहता है कॉपर और एल्युमिनियम, जिसमें कि कॉपर आपका 90% रहता है और एल्युमिनियम आपका 10% रहता है। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अलॉय की। देखिए अब ये आपका बात करते हैं हम लोग टिन बेस एलॉय। तो टिन बेस एलॉय में सबसे पहले आता है आपका बेबिट मेटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए बेबिट मेटल में कॉपर, टिन और ये एंटीमनी से मिलकर बना होता है, जिसमें कॉपर आपका रहता है 4%, टिन 88% एंड एंटीमनी 8%। अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर टिन बेस्ड एलॉय है तो टिन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसका यूज कहाँ होता है, तो एंटी फिक्शन बियरिंग बनाने में किया जाता है बेबिट मेटल का यूज। उसके बाद सेकेंड है सोल्डर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेड और टिन से बनता है, जिसमें कि टिन 70% एंड लेड 30%। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा 30 कौन सा 70। तो देखिए आप याद रखिए कि सोल्डर जो है वो आपका टिन बेस्ड एलॉय है, अगर टिन बेस्ड एलॉय है तो टिन का परसेंटेज हमेशा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट बेस्ड एलॉय की बात करते हैं, तो है निकल बेस्ड एलॉय। तो देखिए निकल बेस्ड एलॉय में क्या है कि सबसे पहला है आपका मोनल मेटल। तो देखिए मोनल मेटल में आपका आता है निकल, कॉपर प्लस अदर। तो निकल आपका है 68%, कॉपर 29% एंड अदर का जो परसेंटेज रहता है वो है 3%। उसके बाद हम बात करते हैं के एलॉय की। तो देखिए के एलॉय जो है वो आपका मोनल मेटल, एल्युमिनियम और टिन से मिलकर बनता है, जिसमें कि एल्युमिनियम 3% रहता है एंड टिन 0.5% रहता है, ठीक है। बाकी रिमेनिंग जो रहता है वो आपका मोनल मेटल रहता है। इनकोनल में देखते हैं निकल प्लस क्रोमियम प्लस फेवस। तो निकिल कितना है 80%, क्रोमियम 14%, फेवस 6%। इसका यूज आपका होता है स्प्रिंग बनाने में। उसके बाद है नाइकोम। तो नाइकोम का जो परसेंटेज रहता है, तो देखिए इसका जो है वो निकिल, क्रोमियम एंड फेवस से मिलकर बना होता है, जिसमें कि निकल 65, क्रोमियम 15 एंड फेवस 20%। निमोनिक जो होता है वो आपका निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है, जिसमें कि निकिल 80% एंड क्रोमियम 20%। निमोनिक का यूज आप गैस टरबाइन की ब्लेड बनाने में करते हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये स्टेनलेस स्टील, इसका कंपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कार्बन, मैंगनीज और क्रोमियम और बाकी आपका रिमेन आयरन होता है, तो जिसमें कार्बन का परसेंटेज आपसे काफ़ी पूछा जाता है, तो कितना होता है 0.22, मैंगनीज होता है 0.5 एंड क्रोमियम होता है आपका 13%, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हाई स्पीड स्टील की। तो देखिए हाई स्पीड स्टील मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है 18:4:1, जिसमें कि 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% वेनेडियम एंड कार्बन का परसेंटेज कितना रहता है 0.7%। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि हाई स्पीड स्टील में कार्बन का कितना परसेंटेज रहता है, तो कितना रहता है आपका 0.7। उसके बाद बात करते हैं हम मॉलीबेडनम
हाँ, बेस हाई स्पीड स्टील। तो मॉलीबेडनम में क्या हो जाएगा आपका, मॉलीबेडनम, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम एंड कार्बन रहता है। तो देखिए, जिसमें टंगस्टन 6%, मॉलीबेडनम 6%, क्रोमियम 4%, वेनेडियम 2% एंड कार्बन आपका रहता है 0.8%। इसी तरह से कोबाल्ट बेस हाई स्पीड स्टील, तो देखिए कोबाल्ट में क्या हो जाएगा, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम प्लस कोबाल्ट, जिसमें कि टंगस्टन आपका 20%, क्रोमियम 4%, वेनेडियम 2% एंड कोबाल्ट आपका 12%। एल्युमिनियम अलॉय, मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्युमिनियम अलॉय है, आप ध्यान रखिए इसे, जिसमें कि आपका ड्यूअल्यूमिन बहुत पूछा जाता है। ड्यूअल्यूमिन किसका होता है, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, जिसमें कि इसका कंपोजिशन आप हो सके तो याद कर लीजिए, क्योंकि आपको कंपोजिशन मतलब कि जितना परसेंटेज है ना वो भी आपसे पूछता है, तो परसेंटेज भी आपको आना चाहिए। तो 95% एल्युमिनियम, 4% कॉपर, 0.5% मैग्नीशियम एंड 0.5% मैग्नीज। इसी तरीके से वाई अलॉय भी देख लेते हैं, कॉपर, मैग्नीज, निकिल प्लस मैग्नीशियम प्लस एल्युमिनियम, जिसमें कि इसका भी आपको परसेंटेज पता होना चाहिए। कॉपर होता है 3.5 से 4.5%, मैग्नीज होता है 1.2 से 1.7%, निकल होता है 1.8 से 2.3%, जबकि मैग्नीशियम होता है आपका 0.6%। ओके, तो दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट कंपोजिशंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैंने कवर कर दिए हैं। थैंक यू।